हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम कुशागर किसल है और आज मैं आप सबके लिए आया हूँ क्लास ट्वेल्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द आर्टिस्ट। दोस्तों ये कहानी काफी इम्पोर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ के लिए, इसलिए अगर आपको इस समरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। चलिए बिना समय गवाए ही हम आते हैं अपने चैप्टर की ओर। पहले हम जान लेते हैं हमारे जो राइटर हैं उनके बारे में। शिगानोवा वॉज अ जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो हमारे राइटर हैं उनका नाम है शिगानोवा, ये एक जैपनीज राइटर थे। ही रोट मेनी मच स्टोरी अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। उन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ, काफ़ी सारी कविताएँ लिखी हैं जो वो अपने दो लोगों के लिए लिया करते हैं, यानी कि वो जापान के लिए थे तो वहाँ के जापान के लोगों के लिए काफ़ी सारी कहानियाँ लिखा करते थे और उनके उनसे रिलेटेड उनके कल्चर के बारे में। ठीक है, द ऑथर हैज ट्राइड टू इंडिकेट हियर हाउ सेबीज टैलेंट इज नेग्लेक्टेड बाय द सोसाइटी। दोस्तों ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सेबीज, इसका इस कहानी में बताया गया कि कैसे हम बड़े लोग, यानी कि जो हमसे एंसेस्टर होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, वो हमारे टैलेंट की कदर नहीं करते हैं और कैसे हमारे टैलेंट को क्रस्ट एकदम बिल्कुल से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो आज हम इसी कहानी में पढ़ने जा रहे हैं जिसका कैरेक्टर में जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सेबी। चलिए अब आते हैं। द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय अ जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगानोवा। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ जापानीज बॉय हुज नेम वाज सेबी। यानी कि जो द आर्टिस्ट है वो लिखी गई है, जो अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ उनका नाम है शिगानोवा। ये सारी स्टोरी है जो इर्द गिर्द घूमती एक जापानीज बुआ जिसका नाम है सेबी। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन की तरफ। ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। वो 12 साल का हो गया चुका है, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर है जिसका नाम है सेबी है, वो 12 साल का हो गया लेकिन अभी भी वो एक प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता है। और हमारा नेक्स्ट लाइन जो है वो है, सेबी हैज हॉबी टू कलेक्टिंग गॉड्स। गॉड्स मतलब गढ़, यानी कि एक प्रकार का कद्दू कह सकते हैं आप, कहने यानी कद्दू ही कहा जा सकता है। ठीक है, तो सेबी की यानी कि हर किसी की तरह उनकी उसकी भी एक हॉबी होती है, वो कद्दूओं से उसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है तो उसकी हॉबी रहती है कद्दू को कलेक्ट करने की। ठीक है, चलिए। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गड्स। वो इतना ज़्यादा उस कद्दू को कलेक्ट करने में बिजी रहता है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। ठीक है, After class, instead of playing with the children, he used to go to town for looking gourds. यानी कहने का सेंस ये कि क्लास के बाद आप जानते हैं कि क्लास जब कंप्लीट हो जाता है तो काफ़ी सारे बच्चे कहीं कहीं घूमने निकल जाते हैं, खेलने लगते हैं, लेकिन सेबी था वो हमेशा जब भी क्लास कंप्लीट होता था तो वो चला जाता था अपने शहर की ओर और शहर में गली वगैरह में घूमा करता था ताकि वो वहाँ से कोई नई कद्दू को खरीद के लाए। वो जिस शहर में रहता वो शहर काफ़ी ज़्यादा छोटा था। ठीक है, Every evening, he would sit cross-legged in the corner of the living room, working on his newly acquired fruit. यानी कि fruit यानी gourd यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर इवनिंग वो क्या करता था, अपने लिविंग रूम में जाके बैठ के और क्या करता था, अपने वो लाए हुए कद्दू को, जो नया कद्दू लाता है वो वहाँ से मार्केट से उठा के उस कद्दू पर जाके अपनी कलाकारी यानी कि उस पर कुछ कुछ काम किया करता रहता था। ठीक है, वो अपने पैर को मोड़ लिया करता था और अपने जाके उस समय पैर को क्रॉस करके यानी कि क्रॉस लेग मतलब पलती मार के कह सकते हैं वहां बैठ जाके वो बैठ जा करता था। ठीक है, He would first bore a neat hole on the top of the gourd and extract the seeds. यानी कि वो कद्दू में से वो ऊपर से एक होल कर देता और उसमें से जितने भी सीड्स यानी कि जितने भी बीज होते थे वो उसमें से उसे निकाल दिया करता था। ठीक है, Then he covered them with the teased leaves to get rid of the bad smell of God. वो क्या करता था, उसमें से निकाल देता ताकि बीज को निकाल देता ताकि उसमें से बदबू ना आए, इसलिए उसमें क्या करता था वो चाय की पत्तियों को उसमें भर दिया करता था ताकि उसमें से जो नीट होल कर देता उसमें होल कर देता उसमें से बदबू ना आए, इसलिए उसमें वो टी लीव्स को डाले यानी कि पत्तों को यानी चाय पत्तियों को उसमें भर देता था। आफ्टर ही पॉलिश्ड इट ही यूज्ड टू हैंग द गॉड ऑन वॉल। यानी कि उसको उसमें चाय पत्ती के उसको पत्ते को उसमें भर के उसको वो ऊपर से उसको क्या करता था पॉलिश करने लगता था और पॉलिश जब कंप्लीट हो जाता था तो उसे जाके वो अपने दीवार या वॉल यानी कि दीवार पर जाके टांग दिया करता था। ठीक है,
One day while wandering in the town street, he got a 5 inches god. एक दिन जब वो मार्केट में घूम रहा था, अपने गली में घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक बड़ा सा कद्दू, यानी कि 5 इंच का उसने एक कद्दू उसे दिखा। अब वो उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। He was very happy. He always carried that god wherever he used to go. वो इतना उस कद्दू से उसे लगाव हो गया था कि वो जहां कहीं भी जाता था उस कद्दू को अपने साथ ले जाता था। इवन जब वो स्कूल जाता था तब भी वो उस कद्दू को अपने साथ ही लेके जाया करता था। ठीक है। One day when he was polishing the gourd, he was caught red-handed by the teacher. देखिए बेटा यहाँ पे red-handed जो है, यानी कि वो रंगे हाथ। यहाँ पे ये कहना एक सेंस ये है कि एक दिन वो क्लास में पीछे बैठा हुआ था और टेबल के नीचे रख के उस कद्दू को पॉलिश कर रहा था। ठीक है। सडनली क्या हुआ कि वो उसके टीचर देख लिया उसे और उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। द टीचर हैंडेड द सीज्ड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर ऑफ स्कूल। अब वो गॉड जो था हमारा, उसे यानी कद्दू जो था उसे लेके टीचर ने एक ओल्ड पोर्टर यानी कि कह सकते हैं प्यून टाइप का जो बंदा होता है उसको बोलता है, तो वो कद्दू लेके और वो उन्होंने उसे पोर्टर को दे दिया। ठीक है। और द टीचर कंप्लेन टू हिज मदर व्हेन हिज फादर heard what happened, he got very angry. Teacher क्या हुआ कि उस incident को जाके उसके घर पे जाके बोल दिया, उनकी माँ को बोल दिया, उसके पापा उस वक्त घर पे नहीं थे। ठीक है। और उसके उसे जाके उसने घर पे बोल दिया, जिससे जब उसके पापा आए तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। माँ उनकी रोने लगी और पापा काफ़ी ज़्यादा इसे भी पे गुस्सा हुए। ठीक है। His father fished his hammer and smashed all gourd in the pieces. अब उन्होंने क्या किया, अपना हैमर यानी कि हथौड़ा उठाया और जितने भी कद्दू उसने वॉल पर टांग रखे थे सारे कद्दू को उन्होंने यानी कि उसके पापा ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, स्मैश कर दिया। ठीक है। पीसेस में कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। द पॉटर गॉट 50 yen फॉर दैट गॉड, यानी कि वो जो कद्दू था, पॉटर क्या हुआ कि पॉटर जाके उस कद्दू को, जब उसे पॉटर को पैसे जो पड़ी और वो कद्दू रखे हुआ था, और उसने क्या किया, उस चपरासी ने यानी कि पॉटर ने जाके उस कद्दू को मार्केट में जाके बेच दिया और उससे उसे 50 yen मिले। येन यानी कि कहने का सेंस ये है कि जो जापान की मुद्रा है उसे येन कहा जाता है। ठीक है। एंड डीलर सोल्ड द सेम गॉड ऑफ फॉर 600 yen टू अ वेल्दी मैन ऑफ द टाउन। और वही गॉड जो था, जो कद्दू जो था, जिसे पॉटर ने एक सेल्समैन को भेजा था, जो एक दुकानदार को भेजा था, और वही सेम कद्दू 600 yen यानी 600 yen में एक वेल्दी यानी कि पैसे वाले उसी टाउन के एक व्यक्ति ने खरीद दिया। देखिए, एक छोटा सा कद्दू था जो एक छोटे से पता नहीं कितने का था, 2 से 3 yen का, लेकिन वही छोटा सा कद्दू 600 yen में बिका। ठीक है। In this inspiring story, the author advises us to encourage our kids, whatever the work they choose. इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, और राइटर कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो करना चाहे, जिनमें उनका मन लगे, हमें वही करने देना उन्हें चाहिए। तो हमारी समरी यही समाप्त होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, या आपको कोई नोट्स चाहिए होगा, तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही ले, और साथ में ही हमें कमेंट भी करके बताएं अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो आप मुझे बिल्कुल बताएं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।